नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत और एनडीए की हार से उत्साहित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता को बधाई दी। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जेडीयू को विधानसभा में 2 सीटों पर हराकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट भेजा गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पीके को कई मुद्दों पर मतभेद होने के बाद पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। आप पार्टी की जीत के बाद पीके ने अपने करीबियों को बताया कि दिल्ली जीत के बाद बंगाल नहीं बल्कि बीच के रास्ते में बिहार आता है। पीके 18 फरवरी को बिहार आएंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। उनके करीबियों का कहना है कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के जरिए नीतीश पर कम सीटों पर लड़ने का दबाव बनाएंगी। अब यह लड़ाई नीतीश के तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से होगी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया है, वहीं आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना चेहरा घोषित किया हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने जेडीयू के लिए रणनीति बनाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा था कि जनता मालिक है। दिल्ली में जेडीयू को 2 सीट मिली थी, बुरारी और संगम बिहार। जेडीयू को सीटें दी गई। इन सीटों पर प्रचार करने के लिए बिहार जेडीयू के कई नेता मैदान में उतरे। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया था। खुद नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को शपथ लेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी होगी। अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी के बाद प्रशांत किशोर पटना का रुख करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ अब क्या कदम उठाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।